में होता है। तो हमारे पास एक बालक है, जो छोरा है वो हिसार है, हिसार हरियाणा से आया है, आया है, मतलब वहां पे वाटर टैंक होता था हिसार में, यहाँ बैटल टैंक से खेल रहा है, जेट बन के सुपरसोनिक जेट से खेल रहा है। सो ये जो बंदा है ये हरियाणा से है, गया रूस पढ़ने के लिए, और पढ़ाई करते करते उसको असला बारूद से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने अपने ट्रैवल शो, जो बहुत ही यूनिक ट्रैवल शो है, वो असला को असली में बदलकर एक ट्रैवल शो बना दिया है, जो दुनिया में एकमात्र ऐसा शो है जो इस तरह के वर्ल्ड वॉर टू के जो टैंक्स हैं उनको कैप्चर करता है। बहुत सारे ऐसे टैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे असला बारूद हैं जो इंडियन आर्मी भी यूज करती है, क्योंकि रूस जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया को, इंडियन आर्मी को आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई करता है। तो ये सारे चीज़ें उदय ने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपने देखा नहीं, वो वहाँ का रूसी खाना खाता है, रूसी शराब भी पीता है, वो फिर कभी सिखाएंगे आपको। हाँ, रूसी लड़की के साथ भी है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ इस वक्त कबीर सिंह दुहान भी हैं, जो बहुत ही बड़े स्टार हैं टॉलीवुड के, मतलब उनकी 60, अगर आप किसी के 60 फिल्में हो गई तो बड़े स्टार हो गए कि नहीं। Yes. रुपाली सूर्य मिस इंडिया है हमारे साथ में। तो हमने थोड़ा ब्रेन्स एंड ब्रॉन्स को के बीच में इसको थक के रखा है। तो शुरू करते हैं, रुपाली आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि बॉलीवुड या फिर जो हिंदी सिनेमा जगत है, यहाँ पर आप काम कर चुकी हैं, आप मॉडल रह चुकी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस वीडियो को लेकर? मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसके पास भी एक ही बुलेट थी, सबको मार दिया। आई थिंक आप लोग हम तो पहले से मरे हुए, हमको इसकी जरूरत है। आप लोग दूसरे तरीके से शूट करते हैं। आप ये बताइए कि पहला रिएक्शन क्या था, जहन में क्या आया आपके? Well, I think ये एक brilliant concept है उधर, and हम, you know, I feel हम जहाँ पर हम लोग bulletin cover कर रहे हैं, ये एक ऐसा आदमी है जो bullets के साथ खेल रहा है, मतलब bulletin कर देता है, bulletin कर देता है, correct? And it's like a boy, you know, who's in a PlayStation, who's, you know, like I see so many of my friends who are actually playing PlayStation boys, you know, and tap, guard an army, tanks में tap, and their brain is actually working like that. Exactly मुझे ऐसे लगा real life में, जब उधर tank में बैठे हैं, fire कर रहे हैं, AK-203, oh my god, ये सब मैंने फिल्मों में सुना था, जो हमारे मेरे favorite Marvel हैं, जो Iron Man, उनके साथ सुना था, tap, कुछ ना कुछ हो रहा है, बस brilliant, I think it was a unique concept, कहीं ना कहीं goosebumps आ गए, इसे मुझे भी हिम्मत आ गई कि मुझे भी करना है action film. आपने इतने सारे फिल्मों में काम किया है, साउथ में, मराठी भी आपने किया है दो फिल्म, आप तेलुगु कर चुके हैं, कन्नड़ा कर चुके हैं, तमिल कर चुके हैं, ये बताइए कि ये जैसा एक्शन आपने देखा, क्या इस तरह के एक्शन हमने कभी सिनेमा में देखा है साउथ में, और क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक्शन आएगा तो किस तरह का? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इतना नहीं आता हूँ 50 मिनट में, आपको पता है, तो बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर दैट यू फ्रॉम हरियाणा एंड यू मेड इट टू इन मॉस्को एंड मेकिंग ऑल दिस चैलेंज, मतलब ये इजी जॉब नहीं है यार ये सब करना। आई रियली वॉन्ट टू वॉच ऑल द एपिसोड्स, मतलब ये तो बहुत छोटे से ट्रेलर थे यार, द क्रेजी थिंग यू आर डूइंग। And it's not easy, यार, ये real चीजों के साथ play करना, guns and tanks and jet में, so it's not easy. But south में आप real gun चलाते? नहीं, real तो नहीं, but I've tried one. Because we have body doubles. This is amazing that he's doing right now. मेरी सारी फिल्में, जितनी फिल्में हैं यार, I think some 58-59 films so far. I signed my 60th film yesterday in south. Very nice. So मेरी सारी
भाई एक्शन फिल्म है एंड आई लव डूइंग एक्शन. सो जब मुझे करोल सर का फोन आया तो लाइक ऐसे ऐसे आया था, वुड लव टू पार्ट ऑफ, लव टू मीट दिस गाय, इज फ्रॉम हरियाणा. सो एक हरियाणवी साउथ में, एक हरियाणवी मॉस्को में, एंड दोनों अपने अपने काम में माहिर है. सो ब्रदर सर, आपने इतनी बढ़िया बात, आई विल जॉइन यू फॉर श्योर दिस दिस टूर, गन टूर, इट विल बी आवर, आई विल. हेलो सर, रशिया, लेट्स गो टू रशिया. सो या गुड जॉब ब्रदर, थैंक यू सो मच, गुड जॉब. उदय ये बताओ कि जब तुम बैठे थे पहली बार टैंक में और गोली चली तो उन्होंने बोला कि भैंस की पूंछ, बोला सब कुछ बोला, लेकिन हमने YouTube की गाइडलाइंस की वजह से सारा सर यही निकलता है सारे, क्योंकि उस सारे टाइम बीप 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 आ रहा था, मतलब ये सीन कट करके हम सीधा जाए मेन सीन पे. लेकिन आप जब टैंक की गन चलती है, मिनी टैंक हो या आपका फुल टैंक हो, जो उसका जो ब्लास्ट होता है आप सारा का सारा फील करते हो, आपके दिमाग अंदर से हिलता है, फिर ऐसा लगता है सर क्या पता है, वेरी गुड इन टैंक, दैट नॉइस एंड दैट धुआं, द लास्ट शॉट ब्लास्ट जो होता है, एंड यू थिंक कि जो चीज़ आप शूट कर रहे हो एक्चुअली एक पूरी बिल्डिंग को गिरा सकता है, पूरी नीचे फाउंडेशन की पूरी तोड़ सकता है, इतनी पावरफुल चीज़ होती है ना. कि उसके बाद ना मैं सच बताऊँ, आदमी थोड़ा बदल जाता है, जो आदमी ये चीज़ कर लेता है ना, फायरिंग द टैंक्स, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, जो भी इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. आई एम श्योर मैं खुद भी इसके बाद चेंज हो गया, क्योंकि आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड एड्रेसिंग दीज थिंग्स वेरी डिफरेंटली. एक तो आप देख रहे हो कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं, फिर आप देख रहे हो कि कैसे एक्चुअली आपको फील होता है जब ये फटती हैं, जब ये चलती हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट फील. और डर भी लगता है, ऐसे मोमेंट्स भी हुए हैं कि दैट कि आपके बहुत चोट भी लग सकती है, इंजरी या बहुत ज़्यादा चोट, क्योंकि मैं आई एम अ सिंगल ही जो कहाँ पर काम कर रहा था, यानी कि इस बॉलीवुड जहाँ पे आपके स्टंटमैन काम करता हो, जब टैंक की गन पीछे आती है, जब फायर करती है, आपका हाथ अगर थोड़ा सा भी ऐसे तो आपका हाथ गया, तो कुछ भी हो सकता है. इट्स एंड दोस आर सिंगल टेक्स, यहाँ तो 10 टेक लगते हैं भाई, गन उठानी चलानी वो सब करना फिल्मों, बट सिंगल वन टेक्स कमेंडेबल जॉब. So, मैंने सुना उदय कि एक दो बार ऐसा हुआ कि आप इतना इतने सर के कि सर कटने का भी चांस हो गया था. एक बार हुआ था, काफी डेंजरस काम, जब आपने देखा कि जो सबसे बड़ा जो टैंक था, जो आर्टिलरी मशीन थी, जब उसके ऊपर से मैं निकला, क्योंकि अंदर इट वाज वेरी कोल्ड, मतलब बाहर से बाहर बैठ के मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, और फॉरेस्ट के अंदर से जा रहा है फुल स्पीड पे, और एक पेड़ की टहनी थी ऐसे निकली हुई, कई पेड़ों की टहनी थी, आधे टाइम तो मैंने देखा कि पेड़ी टहनी, बस एक सेकंड अगर मैंने मिस कर दिया होता ना, एक सेकंड भी, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता बिल्कुल भी, क्योंकि आई वुड बी डेड और डाइंग. तो क्वाइट ग्लोबली वाज आस्किंग मी एज टू व्हाई यू वांटेड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, आई थिंक यू शुड जस्ट, बिकॉज़ आई रियली थिंक मुझे एक चीज इनसे पूछनी है. जैसे आपने कहा डर, क्योंकि सबसे पहले मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आपको पूछना था, मैंने सोचा मैं पर्सनली पूछूंगी क्योंकि यहाँ मीडिया है, तो ये जो डर आप कह रहे हो ना, हाउ डू यू कॉन्कर दैट, बिकॉज इट्स नॉट इजी. हम एक दूर से आर्म एंड एम्युनिशन देख लेते हैं, हम वहाँ से हट जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट इजी, योर सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं. आई मीन यू आर एक्चुअली होल्डिंग इट एंड यू आर यूजिंग, यू आर गेटिंग अ ट्रायल, यू आर शोइंग इट टू द ऑडियंस, दैट होल एक्सपीरियंस, आई एम श्योर इट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज होती है ना, जब मैं ये चीजें करने जाता हूँ, मुझे पता नहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट, मुझे पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा, मैं तो जा रहा हूँ ये चीज़ दूंगा और उसको यूज़ करूँगा हर तरीके से, ठीक है, और जो होएगा सो होएगा, जो नहीं होएगा नहीं होएगा, जो खराबी हो सकती है वो हो सकती है. ये रिस्क मैंने एक्सेप्ट बहुत पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे बचपन से कभी डर लगता नहीं था, हर जगह से कूदता था, हर जगह से भागता था, तो इसमें जो मज़ा है वो डर को वो ओवरराइड कर देता है. बचपन में सुना आपने बहुत बंदूक चला देते, बियर बॉटल को उड़ाते. थैंक गॉड किसी के सर पे बियर बॉटल नहीं थी अभी असली में. नहीं, वो एक्चुअली
जो एरियाज हैं यहाँ पे काफी बिकॉज इट्स बॉर्डर एरियाज इसीलिए जो जो चीजें हैं यू ग्रो अप विद इट इस मेंटालिटी के साथ आप ग्रो अप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि कितनी वॉर्स हुई हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान की वॉर्स हुई हैं सारे इस सारे एरिया में से हैं हम पहले फ्रंटियर है कुछ भी होएगा हम पहले जाट रेजिमेंट जाट रेजिमेंट राजपुताना सिख रेजिमेंट सब we are the frontier तो फिर हमारे लिए guns is actually not a very कोई ancient कोई अजीब सा concept तो फिर तो तोप चला लिया आपने उसी को continue कर रहे हैं आगे जाके जहाँ पे भी कर सकते थे हमने किया तो कभी आपको हरियाणा में किसी ने बोला कि यार तू इतना बड़ा तोप हो गया है नहीं उस तोप तो चलाना तो पड़ेगा and this is the only channel पूरे world में यार जो ऐसी चीजें दिखाता है You tell me, is there that you're thinking you have a Bollywood star here? Are you getting into Bollywood? I mean, I would love to get into Bollywood. Maybe that's my dream come true. Okay. But I'll not use a stuntman. That's the wow. only. Wow. Which is your favorite action hero? My favorite action hero. It's very hard to say because all of them are so good. You know, kaise aap? But I grew up with Sunny Deol, like watching Sunny Deol. So that's Sunny Deol. Sunny Deol is my hero. Well, I really think, jaise hum, you know, I have always hum chor police khelte the. Ya jab bhi hum bachpan mein na, bahut sapna hota tha ki kahin police, wo nakli gali hum haath laga ke kitna khush ho jaate the. Ek bahut marbling team aati thi. You living that life, you experiencing that life. You know, you are touching the ammunition, the arms. And of course, I heard that he's also getting the test trials of the arms and ammunition coming to India. No, whatever he's doing is actually being given to the Indian Army later. Oh. So, you know, he's testing all of that stuff before. All the arms and ammunition come from Russia to India. You know, so he's actually testing them before they're coming. Oh, so he's a real man. He's so, this is Patana hai, to inko Patana. He actually comes from an army background as well. So, thoda bataiye aapke. So, grand uncles and they were all Jat regiment, Sikh regiment. Sabhi unhi mein pe serve kiye mere. I think sare mere grandparents ne usi mein serve kiye mere. Nana ji ne, dada ji blood mein tha. To fir main tha wo aa gaya. To fir I think mere jo nana ji hain, we were the top sniper of the Indian Army. And he was the commander of the 3 Jat regiment. And isliye unhi ki legacy hum continue karna hai. कंटिन्यू करना चाह रहा था नॉट विद द गन टूर बट बेसिकली मतलब वो उसे शौक उसे खुशी बहुत मिलती है जो भी कहने लग रहे हैं व्हाटएवर यू आर डूइंग ब्रदर दैट इजी जॉब प्लेन टाइम एके 203 ना 203 ना दैट जो आंसर डेफिनेट द लेटेस्ट जो असॉल्ट राइफल जो कि इंडियन आर्मी को मिलेगी तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू गो एंड सी क्या एक्चुअली आ रहा है अपने देश में जो हमारी आर्मी जो जो यूज़ करेगी तो मैंने कहा कि मैं जाके देखे हम और टेस्ट करके आऊँगी क्या मैंने रिक्वेस्ट करा और मैं रिक्वेस्ट थैंकफुली एक्सेप्ट और मैं एंड आई वेंट एंड आई ट्राइड इट एंड आई फिल्मड इट बहुत उसका मजा है अमेजिंग इट्स एन अमेजिंग फीलिंग सो वन मोर थिंग यू नो व्हेन यू एक्चुअली सैट इन दिस थिंग ऑल योर रिएक्शंस वर सो रियल वो एक्चुअली एक्शन कॉमेडी लग रहा था एट टाइम्स जब वो उड़ता है हवा के अंदर 50 टन की चीज जब हवा में उड़ती है और जब वो चल रही होती है 90 की स्पीड पे तब आपको लगता है कि कैसे हाउ इज इट पॉसिबल और जब मुड़ती है यू फील एवरीथिंग आप में ऐसे तो है नहीं कि जैसे आप एक मर्सिडीज में जा रहे हो आराम से हाई स्पीड पे टर्न ले रहे हो वो वैसी फीलिंग नहीं है आपको पता लग रहा है कि मशीन क्या कर रही है एक बटन दबाओ चलते चलते भी गोली मारेगी और एक बिल्डिंग तोड़ा देगी नो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एज आई सेड इट्स सो रियल दैट दिस सेकंड शॉट योर क्लोज अप शॉट इज एक्चुअली नॉट वेयर यू लुकिंग कूल Yeah, unlike the you know the movies where you actually come out of the tank or holding the thing and they're all still looking very handsome. Yeah, like short hota na, short cut. This guy is really looking in action. This is action. Because this is not we're not making a film actually. This is a ye jo cheez hai ye aapke saath sach mein ho rahi hai. Agar aap sochoge isko look cool, aapko chot aur lag jayegi aur aap shayad mar bhi jaoge. Isliye look cool is very very of the मतलब ही नहीं हो सकता है
डाल रहे हो, कहाँ आप हाथ रख रहे हो, और कैसे जब टैंक हिलता है कैसे आपका सर ना लगे साइड के अंदर और वहीं पे काम हो जाए, तो इसलिए आप काफी डरावनी चीज होती है ये, आपको मैं सारे एपिसोड में आपने देखी है जितनी रिएक्शन है ना, वॉच इट यार आफ्टर दिस दिस ट्रेलर दे गोना वॉच इट होल एपिसोड की हुआ क्या कैसे कैसे देखने जितनी भी रिएक्शन यार सारी रिएक्शन आर वेरी रियल, आपने भी देखा होगा, इट्स नॉट एक्टिंग। तो ये जो सवाल है मैं आपको लास्ट में पूछ रहा हूं कि ये आईडिया कैसे आया और कैसे ये हुआ, व्हाट हाउ बिग द बेसिक आईडिया ऑफ डूइंग द गन टूर इमर्ज इन योर माइंड। तो जब आप ईस्टर्न यूरोप में रहते हो, मॉस्को में, रशिया में, यहाँ पे जो आर्मी है और जो गन कल्चर है और ये जो भी चीज़ें हैं, ये एक इतनी एक एलियन कॉन नहीं है कि मतलब जैसे इंडिया में हमारा बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है विच इज़ वेरी गुड, बहुत आई सपोर्ट दैट, लेकिन वहाँ पे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप एक्चुअली यू कैन मेक वेरी वेरी गुड कॉन्टेंट, आप जाओ आप शूटिंग रेंज पे जाओ, आप डी कमीशन आर्मी इक्विपमेंट सेंटर पे जाओ, तो यहाँ पे सारी इक्विपमेंट खड़ी है, आप उसको कहो कि वी वांट टू ट्राई दिस, वी वांट टू डू दिस, इतना मजा आता है करने में। तो आप देख रहे हो कि एक्चुअली कैसे जो नॉट मूवीज बट एक्चुअली में रियल चीज कितनी भयानक और खतरनाक होती है और मजेदार भी होती है जिस टाइम, और भयानक चीज का तो एंजॉय क्या होता है भयानक चीज। दिस एक्चुअली टेल्स मी दैट हैट्स ऑफ टू द एंटायर आर्मी यू नो फॉर द मैटर हु इज हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ एमिनेशन एंड आर्म्स, कितने फोकस्ड रहते होंगे यू नो टू हैंडल दिस, सो मच ऑफ केयर, सो मच ऑफ अलर्टनेस, awareness must be going in ki you know to achieve that kind of control over the system. After looking at what he did, I have higher feelings for the entire world's army right now. Okay, before we throw the Singh for questions for from the media, one last question. Aapne rusi khana aur rusi pakwan rusi drinks try kiya hai ki nahi? आप जब 6 साल रहते हो देश के अंदर, आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो देश का, आप उस देश का हिस्सा ही बन जाते हो तरीके से, क्योंकि आप अगर नहीं बोलोगे तो फिर आप वहाँ पे रह नहीं सकते। अगर आप कोई इंडिया भी कोई आए, चाहे कोई हो जाए, रूस ही हो जाए, अमेरिका हो जाए, कोई भी हो, अगर वो कल्चर के अंदर डेल्व नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो कैसे खुश रहेगा? तो फिर आप जहाँ भी जाते हो, यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड, यू हैव टू बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, और इसीलिए आपका फिर सारा एक्सपीरियंस उस देश में, उस कंट्री में, उस कल्चर के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी सी द स्विदानिया इज व्हाट हाउ डिड यू लर्न द लैंग्वेज, हाउ डिड यू लर्न रशियन? ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस थी, क्योंकि मैंने एक्चुअली लैंग्वेज लर्न कभी एज सच करी नहीं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोकल लोग हैं, मेरे सबसे करीबी दोस्त सारे लोकल्स हैं, वो सारे रशियन बोलते हैं, जब आप 24 घंटे उनसे आप सराउंडेड होते हो और सारे टाइम रशियन बोल रहे हैं, तो आपकी जो दिमाग है ना वो चेंज हो जाता है, आपको पता लगता है एक एक वर्ड आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। ऐसे मैंने सीखी, मैं टेबल पे बैठ के किताब खोल के रशियन नहीं पढ़ी, क्योंकि किताब कभी खोलने का कभी खोल ही नहीं पाया, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि लैंग्वेज बहुत जल्दी आ गई, तो इसलिए मैं कभी फीलिंग ही नहीं हुई कि मैं पढ़ूँ दो दो तीन तीन घंटे लगा के, आई वुड रादर गो आउट किसी में फंक्शन में चला गया, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चला गया, आपको लैंग्वेज सुनी और आपको उससे आ जाती है लैंग्वेज। ओके थैंक यू एवरीबॉडी, बट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस प्लीज डू, हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए वैसे भी। हाउ डू यू गेट द परमिशंस टू ऑल दिस? तो हम हर कंपनी को एक लेटर भेजते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने AK टेस्ट करी है, तो हम AK ही कंपनी है, प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, हमें वो लेटर भेजा कि हम ये हैं, हमें आके एक बार ये पर्टिकुलर वेपन बल की हमने फिल्म बनानी है, वी वांट टू टेस्ट इट आउट, एंड देन वी वेट फॉर अप्रूवल। मतलब होप मतलब 90% ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, 90% ऑफ द टाइम उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन ही आता है, बहुत विच इज अमेजिंग, and that's why we were able to do all these shootings. You're not a gunman, neither are you a person who is from that space. How do you actually manage the permissions? How I actually manage the permissions? Because you're a YouTuber, primarily. Yeah, because ये जो हम जो content बना रहे हैं, ये actually is a very unique piece of content, क्योंकि इस सारी equipment का कभी content बना ही नहीं English में. लोकल लैंग्वेजेस में ऑब्वियसली बना है, सारा टेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट बना हुआ है, लेकिन कभी इंग्लिश में नहीं बना हुआ, तो हम यही ऑफर करते हैं कि हम ये लोग हैं, हम ऐसे फिल्मिंग करते हैं और हम आपका ये सारा कंटेंट
obviously agar aap ek company hai to aap you will be like why not it's not costing us anything. Chirag bhai, want to ask something? Gun hi kyun? Nahi par hamara gun sirf guns nahi hai, hum aeroplanes bhi hain, tanks bhi hain, ships mein bhi rahenge aur traveling bhi karte hain, food blogging bhi karenge. We're just starting out, to hum sara experiment karenge kaun sa cheez YouTube pe sabse badhiya kaam karta hai aur hum sare ko ek mix karke hum uska ek the best product we can we're trying to push out. But I like the name, the gun for. Yeah, Chirag bhai, Uday ji, mera naam Chirag hai. कलाश्निकोव आपने सबसे पहले AK-47 सुना था, फिर 56 पॉपुलर हुआ, अब आपने यूज किया 203. हाँ जी. तो ये पुराने 47 और 56 भी आपने ट्राई करके देखे हैं और उससे 2.3 तक कितना लंबा सफर है? तो जो AK-47 है वो एक आपको पता है सबसे ज्यादा लेजेंडरी और वर्ल्ड का सबसे रिलायबल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइफल ऑटोमेटिक राइफल प्लेटफॉर्म है. तो जब आपकी एक इतनी बढ़िया चीज़ है जिसका एक्चुअली कोई खास वो नहीं हो सकता, आप एक चीज़ आपने इतनी बढ़िया बना दी है तो आप उसको बिल्कुल एक नई चीज़ बनाने का कोई फायदा भी नहीं है. तो फिर जो आपके पास जो करंट प्लेटफॉर्म है आप उसको अपग्रेड कैसे करते हैं? बाय मॉडर्नाइजिंग इट. आपने यूज बेटर इक्विपमेंट, यूज बेटर स्टील, बेटर फोर्जिंग प्रोसेसेस, पिकेट उस पर रेज लगा दी, उस पर आप एर्गोनॉमिक ज़्यादा बना दी, लाइटर बना दी. तो फिर जो 203 है वो एक्चुअली एवोल्यूशन है AK-47 की. गन इज द सेम, कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली द सेम, जस्ट 100 टाइम्स बेटर टू यूज एन ऑलरेडी गुड वेपन्स प्लेटफॉर्म. ये मैं पूरा बता सकता हूँ. और हमारा सारा एपिसोड में हमने बहुत डीपली इसके अंदर गए, आप जरूर देखिए. उदय, हाउ डू यू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस? आई थिंक इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीस. आई थिंक ऑफ कोर्स बट the best thing is जो मेरी टीम है, हमने खुद ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, हमने कहा कि हमारे अंदर वी हैव प्रोग्रामर, हमारे पास एक वीडियो एडिटर है, हमारे पास एक एडिटर है जो देखता है कि हाँ ये ठीक ही चल रहा है, सब की नहीं चल रहा. हमारा एक पैशन है जो हम इसको रियलाइज करना चाहते हैं यूट्यूब पर. एंड व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड बट द मेन एक्सपेंसेस जो हैं, जब हम अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं इन कंपनीज को तब हम एक एडिशनल रिक्वेस्ट भी डालते हैं, सिंस हम एक न्यू एंड अपकमिंग चैनल है और हम बहुत ही यूनिक कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए, तो आप काइंडली हमारा जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, लाइक गेट द फ्लाइट टिकट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें हमें जो कंपनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसकी ग्रीन लाइट मिल जाती है. तो हमारे 99% हमारे एक्सपेंसेस एक्चुअली कवर्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट भी आ रहे हैं ना, हम उन कॉन्टेंट तो बना रहे हैं, मोनेटाइजेशन तो हमें मिलेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट है तो इट्स देयर. Awesome, my questions for you. Like, काफी चीजें हमने देखी जो हमने शायद कभी देखी नहीं है प्रॉपर तौर पे, और ये काफी रिस्की है. तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ करते हैं आप या आपकी टीम, या क्या कुछ प्रोसीजर है? आपने अभी जस्ट कहा कि मैं एक सेकंड बच गया तो मेरी मैं यहाँ नहीं रहता, सो ये चीज जानना चाहूंगा. तो अब ये दो, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है एस्पेक्ट एक्सपीरियंस, एक दूसरा एस्पेक्ट आप सेफ्टी इक्विपमेंट आपको यूज करनी चाहिए. तो हमारे पास स्पेशल सेफ्टी गियर होती है, जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्पेशल गॉगल्स होते हैं ताकि कोई भी रिकोशे कुछ भी ताकि हमारी आँख में ना लगे. जब आप टैंक में बैठे हो आप सारी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, आप प्रॉपर हेलमेट प्रॉपर गियर पहनते हो, प्रॉपर शूज़ पहनते हो ताकि अगर कुछ भी हो आपके चोट ना लगे. सेकेंड चीज़ एक्सपीरियंस है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आप चाहे कितनी सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लो लेकिन आपका दिमाग अगर काम नहीं करता तो आपकी 100% चोट लगेगी और आप 100% को ना कोई खराबी होगी. सर आप क्या कुछ टिप्स लेंगे, क्योंकि एक्शन सीन्स आप ज्यादा करते हैं यहां पे? तो मैं इनसे टिप्स लेता हूं डेफिनेटली. मैं लाइक आई सेड कि आई एम गोना वॉच ऑल द एपिसोड्स एंड ही इज देयर अप टू 20 इयर्स, सो आई एम गोना मीट हिम फॉर श्योर अबाउट एंड आई एम गोना आस्क दिस. एंड लाइक आई सेड कलो सर, आई एम ऑन फॉर रशिया दिस टूर. सो इन हरियाणा बिकम्स अ मैन व्हेन यू विजिट द सेम फॉर यू गाइस. हरियाणा में बहुत आईपी कुछ है. एटलीस्ट 18
इस पर्टिकुलर जनरेशन की, बिकॉज जब तक 18 साल का नहीं होता आदमी ही डजंट नो क्या चीज है, और लीगली भी आप ये चीजें कर नहीं सकते तब तक आप इट्स द बिगेस्ट थिंग. You watch YouTube channel. Why make a YouTube channel about this? Like, what inspired you? You could have just had this experience and lived your life just by yourself, you know? Share it with friends, family. Why did you want to share it with the world? Because this is very unique piece of content, and the YouTube is a very, very good monetization platform. So why not do something that you're passionate about and also make money at the same time? What's wrong with that? So I was like, ye project theek hai, try karte experiment karte hain, aur I think content kaafi acha hai. Sir batayenge, sir, dude, you do all crazy stuff, yaar. This is very crazy stuff. Abhi sir, is there something in particular you want to try? Like a particular weapon or a particular vehicle? I want to take this the gun thing and the tank, right? Please, sir, just aap just tell me and please. आप टिकट्स का जुगाड़ करो, मैं कंसीडरिंग अ चेंज इन प्रोफेशन गाइडिंग इवेंट्स. ओह माय गॉड, व्हाई नॉट? व्हाट डज इट टेक टू कम फॉर द टूर, लाइक द गन टूर? आई एम तो एक्चुअली थिंकिंग लाइक व्हाट एम आई सपोज्ड टू वेयर ओनली फॉर दैट. आई मीन दैट विल टेक केयर ऑफ नॉन रशियन. डू यू रिकॉर्ड इट बिफोर शूटिंग और दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा. मैंने पहले कभी कैमरा के आगे कभी any when you shoot those things do you learn before shooting or is there a rehearsal or some kind of a demonstration that happens before? No rehearsals, no demonstration, because wow. Kyunki, excel kyunki ek to ye jo bhi hum fire kar rahe hain shells and bullets ye free ki nahi hoti, hame ek ek cheez ko capitalize karna padta hai taki if the first shot we have to be there, we have to capture the first reactions of myself and the surroundings. So fir everything is done in the first take and everything is done that way. Is it not scary? Because I have also experienced a T-55 tanker in an army fair. So okay. It was like I was thinking that I'm going to die, and or but it was like if I go up, my head is going to like blast. सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितनी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि कई जो जो इक्विपमेंट है टैंक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, एक दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट पीसेस ऑफ जो टेक्नोलॉजी जो इनके अंदर लगी है, और ऑब्वियसली हमें उनके पास भी जाना अलाउड नहीं है कैसे चीज़ें बनती हैं, फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बिकॉज मेरे किसी हमारे पास आ ही सकती, बिकॉज वी नॉट इन द आर्मी, वी नॉट सपोर्टेड बाय द आर्मी. तो इसीलिए हम जितना दिखा सकते हैं हम दिखाते हैं, और वो आएंगे अभी थर्ड और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड्स के. No, actually I tried to test the tank, so I put my finger in. Exactly what has happened. This has. So बचपन में ऐसे था मेरा एक दोस्त था, वो उसको देखना था कि घोड़े के मुंह में कितने दांत हैं, तो डाल दिया. घोड़ा ने मुंह बंद कर दिया ये देखने के लिए कि बच्चे के हाथ में कितने उंगलियां हैं. गाइस मेरे करियर के अभी तक की सबसे बड़ी कनुली पे शकुन है. यस मेरे करियर के भी दांत कम हुए. नो शेखर सर इज अ डायरेक्टर. So I'm playing the lead villain in that. It's a micro film. Trailer आप लोगों ने देखा होगा. Pan India film है. 17th Feb. So please do watch. मेरी करियर की अभी तक की सबसे बड़ी. Last question, how many episodes? Till now या कितने planned हैं? वो बताइए. अभी तक हमने around 6 episodes shoot कर चुके हैं, और planned और कोई limit नहीं है. हम September 4 महीने लेकिन सारी वेटिंग जो थी एक्चुअली इट्स वाज नॉट द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो वेटिंग वाज फॉर द अप्रूवल प्रोसेस एक्चुअली. सो इसीलिए 4 महीने लगे थे, तो हम 4 हफ्ते में बना लेते हैं. वेयर विल यू शूट इन इंडिया? टू 100% कभी ना कभी तो आएंगे इंडिया में.
मैं आरबी से पहले ही टेस्ट कर लेता हूं एक्चुअली Thank you everybody. Thank you. Thank you for joining us for dinner. Thank you. Thank you for. Salute. 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 Salute.